₹40 में पतंजलि कोनाइल फ्लोर क्लीनर अपनाएं, गौ माता को कत्ल खाने में जाने से बचाएं। बंगाल में अमित शाह की रैली पर गरमाई राजनीति, चॉपर लैंडिंग के लिए सरकारी अनुमति के इनकार के बाद मालदा होटल में उतरेगा हेलीकॉप्टर। मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में बीजेपी का आक्रोश, मंदसौर में पार्टी नेता की हत्या और गिरफ्तारी न होने पर भोपाल में सड़कों पर विरोध। 3 मार्च को पटना में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन के संकेत, गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार, पासवान के प्रस्तावित साझा रैली। नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, गुरुवार को होगी सुनवाई, जस्टिस सीकरी के सामने बहस। कश्मीर के बड़गाम में फौज ने 2 आतंकवादियों का किया सफाया, भारी बर्फबारी और बारिश के बीच तीसरे की तलाश। आरआर काबिल वायर्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स 10 मिनट 50 खबरें। मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में आज सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, कमलनाथ सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, जलाया पुतला। बीजेपी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीएम के पुतले को लेकर हुई खींचतान, पिछले 3 दिन में 2 बीजेपी नेताओं की हुई हत्या। प्रहलाद बंदवार और मनोज ठाकरे की हत्या के मामले में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की सीबीआई जांच की मांग। कमलनाथ के मंत्री गोविंद सिंह ने संघ को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा आरएसएस देता है बम बनाने की ट्रेनिंग। गोविंद सिंह के बयान पर शिवराज चौहान का पलटवार, ट्वीट किया यह बयान हास्यास्पद। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर वार, लिखा ममता की रैली से डरे प्रधानमंत्री। उद्धव ने किया खुलासा, शिवसेना को भी मिला था ममता की रैली का न्योता। उद्धव ने सामना में लिखा विपक्ष के लोगों को देशद्रोही कहना गलत, लोकतंत्र का सम्मान करना सीखे पीएम। बुलढाणा में राम मंदिर को लेकर एनसीपी नेता अजीत पवार ने उद्धव पर किया वार, बोले जो अपने पिता का स्मारक नहीं बना पाया वो राम मंदिर क्या बनाएगा। पीएम के बचाओ वाले बयान पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, ट्वीट किया 100 दिन में मोदी सरकार से मिल जाएगी आजादी। बंगाल में 22 जनवरी को अमित शाह की रैली को लेकर फिर आमने सामने बीजेपी टीएमसी, ममता सरकार ने शाह के मालदा में हेलीकॉप्टर उतारने के लिए इजाजत देने से किया इनकार। मायावती पर बदजुबानी, बीजेपी विधायक को पड़ी महंगी, चंदौली थाने में शिकायत दर्ज, बाद में एमएलए साधना सिंह ने जताया खेद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज लखनऊ में जोनल इंचार्ज को गठबंधन और चुनावी रणनीति पर देंगे दिशा निर्देश। वाराणसी में आज से 3 दिन तक चलने वाले प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत, 22 जनवरी को पीएम मोदी आधिकारिक तौर पर करेंगे उद्घाटन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए पहुंचे मलेशियाई जत्थे ने गंगा आरती के किए दर्शन, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने की अगुवाई। प्रयागराज में जारी कुंभ में पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान, सुबह से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पौष पूर्णिमा पर स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति की मान्यता, 75 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना। कुंभ पहुंचे मौनी बाबा ने राम मंदिर निर्माण का लिया संकल्प, मंदिरों में राम मंदिर निर्माण के लिए दिया जलाने का चलाएंगे अभियान। कुंभ में मोदी योगी की वेशभूषा में स्वच्छता मिशन का संदेश देते भी दिखाई दिए लोग। कुंभ में मुस्तैद दिखे सुरक्षाकर्मी, 30,000 कैश चोरी कर भागे एक आरोपी को दबोचा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने गाय को हिंदुओं के साथ मुसलमानों की भी मां बताया, अपने संसदीय क्षेत्र ललितपुर में गौशाला के कार्यक्रम में दिया बयान। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद अपने क्षेत्र पहुंची वसुंधरा राजे का शानदार स्वागत। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सांसद राव, उदय प्रताप सिंह की गुमशुदगी के लगे पोस्टर। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की अनौपचारिक बैठक आज, केसी वेणुगोपाल करेंगे अध्यक्षता। रिजॉर्ट में कांग्रेस के 2 विधायकों के बीच मारपीट की खबरों से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, कारोबारी रिश्तों को बताया झगड़े की वजह। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आज से सिद्दीपेट जिले के अपने फार्म हाउस पर करेंगे महायज्ञ, करीब 250 पुजारी इस अनुष्ठान में होंगे शामिल।
फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मसले पर सुनवाई। नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाने के खिलाफ एनजीओ ने दायर की है याचिका। योगी राज में बीजेपी नेता भी नहीं सुरक्षित। कुशीनगर में जमीन विवाद को लेकर बीजेपी देहात मंडल के महामंत्री की हत्या। गणतंत्र दिवस से पहले एलओसी पर बड़े हमले की फिराक में पाकिस्तान। अलर्ट के मुताबिक बैट और 6 से 8 आतंकवादियों का ग्रुप कर सकता है हमला। जम्मू में हादसे का शिकार हुई रोपवे केबल कार, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी के सरेंडर की कोशिशों को लगा झटका। मेहुल ने पासपोर्ट सरेंडर किया। मेहुल ने भारतीय अधिकारियों को सौंपा पासपोर्ट, अपना पता एंटीगुआ बताया। मेहुल के पासपोर्ट सरेंडर की विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को दी जानकारी। मेहुल के प्रत्यर्पण केस में कल होनी है सुनवाई। अमरोहा पहुंचे कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जांच एजेंसी एनआईए पर उठाए सवाल, बेगुनाहों की गिरफ्तारी का लगाया आरोप। दारुल उलूम देवबंद ने की अपील, 26 जनवरी तक ट्रेन में ज्यादा सफर न करें छात्र, चेकिंग में बेगुनाहों के पकड़े जाने का जताया अंदेशा। दिल्ली कांग्रेस की नई अध्यक्ष शीला दीक्षित ने आज बुलाई युवा और महिला फ्रंट की हाई लेवल मीटिंग। मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में चुनाव आयोग से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप। टुमकुर में सिद्धगंगा पीठ के संत की हालत नाजुक, येदियुरप्पा ने रद्द किया कुलार दौरा। 111 साल के हैं संत शिव कुमार स्वामी। बागपत में बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर पंचायत ने लगाया 2 लाख का जुर्माना, एससी एसटी समुदाय से जुड़े लोगों का रास्ता रोकने का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा की अजनारा होम सोसाइटी में गला काटकर युवती की हत्या, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के रायसेन में लोकसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई कांग्रेस की बैठक में हंगामा, कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापाई। उत्तराखंड के विकास नगर में युवक की हत्या पर फूटा आक्रोश, लोगों ने किया प्रदर्शन। यूपी के इटावा में जमीन को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, लाठी डंडों से हुई मारपीट। मध्य प्रदेश के सीधी में ट्रक ड्राइवर ने पुलिस की गाड़ी में मारी हल्की टक्कर, पुलिस वालों ने की ट्रक ड्राइवर की पिटाई। राजस्थान के झालावाड़ में महिला चोरनी ने ज्वेलरी शोरूम से उड़ाए गहने, ग्राहक बनकर चुपके से 1 लाख के माल पर किया हादसा। दिल्ली में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, डांसर निकला गिरोह का सरगना, 23 बाइक जब्त। दिल्ली के नरेला इलाके में जश्न के कार्यक्रम में चली गोली, बच्चे को लगी, घायल हालत में बच्चा अस्पताल में भर्ती। पूर्वी दिल्ली के कैलाश नगर में शादी के घर में फैली मायूसी, शादी के लिए रखे रुपयों पर किसी ने किया हादसा। यूपी के शाहजहांपुर में छात्र नेता ने छेड़खानी के बाद छात्रा को धमकाया, शिकायत पर छात्र नेता समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज। सहरसा में मुस्लिम लड़की सबा खान की हर तरफ चर्चा, कंठस्थ है संस्कृत के श्लोक। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन में बीजेपी के 2 नेता